मैंने इस टॉपिक पे पहले बहुत बार बहुत सारी वीडियो बनाई है। फोरप्ले की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों डॉक्टर्स बार बार आपको फोरप्ले पे फोकस करने के लिए बताते हैं, चलिए इसके बारे में आज हम एलिब्रेटली बात करने वाले हैं कि फोरप्ले को जादू, चाबी, कुछ भी कह सकते हो, वो क्यों बताया जाता है। एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल, में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोरप्ले के इम्पोर्टेंस के बारे में और फोरप्ले आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में भी थोड़ा सा हिंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या आपको पता है कि पेनिट्रेशन को इंटरकोर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेक्स जो होता है ना, वो दो पार्ट से बनता है, एक होता है इंटरकोर्स, एक होता है आउटर कोर्स। पेनिट्रेशन को इंटरकोर्स कहा जाता है, तो फिर सेक्स का ये जो दूसरा पार्टर है आउटर कोर्स, इस ये किसको कहा जाता है? ये फोरप्ले को कहा जाता है, स्पेशली फीमेल के अराउजल के लिए, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए, ऑर्गेजम लेवल को अचीव करने के लिए फोरप्ले चाबी है। बट दुख की बात ये है कि इंडिया में आज भी मैक्सिमम कपल्स घाघरा उठाओ और शुरू हो जाओ टेक्निक को ही फॉलो करते हैं, जबकि रिसर्चर्स ये बताते हैं, स्टडीज ये बताती है कि अगर आपको हेल्दी सेक्स लाइफ इंजॉय करनी है, लीड करना है, तो दोनों के बीच बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच इंटरेस्ट मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है, वरना इसका जितना असर मर्दों पे पड़ता है उससे कई गुना ज्यादा असर औरतों पे पड़ता है और औरत बहुत ही जल्दी अपना इंटरेस्ट लूज करने लगती है। सोचो जब आप सेक्स करते हो, जब आप इसमें इन्वॉल्व होते हो, आपको एक प्लेजर मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक फीलिंग्स आती है अंदर से जब आप डिस्चार्ज करने ही वाले होते हो, एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्गेज्म। और सोचो कि बार बार आप करने के बावजूद भी अगर यही चीज आपको ना मिले, आप डिस्चार्ज भी कर रहे हो, आप पेनिट्रेट भी कर रहे हो, आपका इरेक्शन भी आ रहा है, बट वो फीलिंग्स नहीं आ रही है जिसके लिए आप इसमें इन्वॉल्व हो, आपको कैसा लगेगा? सेम चीज आज भी औरतों के साथ रोजाना हो रही है कि वो उत्तेजित भी हो रही है, वो पेनिट्रेट भी करवा रही है, बट उसको वो ऑर्गेजम नहीं मिल रहा है, वो फीलिंग्स वो अचीव नहीं कर रही है जिसके लिए आप पागल हो रहे हो, आप बार बार बिस्तर पे चलने का सोचते हो। और यही प्लेजर अगर आपको ना मिले ना, तो आप भी धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट खो दोगे। जब एक औरत को बार बार संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वो इसके लिए फिर पागल नहीं होती, इसके पीछे भागती भी नहीं है, उसको मिले ना मिले, करे ना करे, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे तुम अपना ड्यूटी करते हो, रोज तुम्हें ऑफिस जाना ही पड़ता है, वो भी शायद कुछ ऐसे ही ड्यूटी कर रही होती है, और आप दोनों की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, उसकी अचीवमेंट अलग अलग है, यानी कि मेल पार्टनर पेनिट्रेशन के थ्रू ही 90% ऑर्गेज्म को अचीव करती है, जब भी रिसर्चर्स बताते हैं कि फीमेल 80% ऑर्गेजम जो है वो फोरप्ले यानी कि स्टिमुलेशन के दौरान ही करती है, और स्टिमुलेशन फोरप्ले का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो इसीलिए दोस्तों उसके साथ जब भी बेड पे चढ़ो, उससे वो सुख दो, उसे भी उस चीज के लिए तड़पाओ जिसके लिए आप तड़पते हो, ताकि उसमें भी वो सुख मिलने की इच्छा बनी रहे। और अगर आप उसको ये सुख बार बार दोगे ना, तो आपकी फीमेल भागेगी नहीं। अरे सेक्स तो इंसान क्या जानवर भी करते हैं, बट उसमें उस तरीके का सेंस नहीं होता, तो इसीलिए दोस्तों थोड़ी इंसर्शन से हटके जो आउटर कोर्स है ना, यानी कि जो फोरप्ले है, उस पर फोकस करो। अब फोरप्ले का इम्पोर्टेंस तो मैंने आपको बता दिया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, खासतौर से आपकी बीवी के लिए। सारे मर्द इधर उधर मुंह मारते तो रहते नहीं, सारे मर्द यहाँ वहाँ भागते तो नहीं है, वो एक ही से खुश होते हैं, बट बात वहाँ पे ही आ जाती है कि इसके साथ प्यार करके अट्रैक्ट होके शादी कर ली, अब 5 साल बाद वही अट्रैक्टेड नहीं लग रहा। इसके पीछे वजह ये भी एक है, क्योंकि उनका सेक्सुअल लाइफ हेल्दी नहीं है। तो चलिए अब फटाफट फोरप्ले के कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। फोरप्ले के बारे में बात तो करा, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात तो करा, अब कुछ टिप्स दे दी हूँ आपको कि आप फोरप्ले को कैसे मजेदार और जादू भरा बना सकते हो। सबसे पहला जो आपको टिप्स देती हूँ ना, वो है दोस्तों, कितना भी आपका बिजी लाइफ हो, अगर आप 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हो ना, तो 5 से 10 मिनट आप अपनी फीमेल पार्टनर को फोरप्ले दे ही सकते हो। सबसे बड़ा टिप यही होता है कि फोरप्ले पे वक्त देना जरूरी है। जल्दबाजी ये आपके प्लेजर को भी भगा देती है आपसे कोसों दूर, इसलिए स्लो एंड स्टेडी होना बहुत ही जरूरी है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, आप अच्छे से संबंध नहीं बना पाते हो, या फिर आप बहुत जल्दी थक जाते हो, आपको थकान बहुत जल्दी आ जाती है, या फिर आपका सेक्स करने का मन ही नहीं करता, तो आप मिस्टर्स डेली जोश फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें अश्वगंधा,
कोको बीन्स। अनार आपके स्ट्रेस डिप्रेशन लेवल को कम करते हुए आपके जल्दी गिरने की समस्या को सॉल्व करने में मदद करता है। और इसमें जिंक मैग्नीशियम है जो आपके मसल स्ट्रेंथ को, आपके स्टैमिना को, आपके पावर को तेजी से इंक्रीज करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ आप एनहांस फॉर्मेंस से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करो। इसमें एलर्जिनिन होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेसल्स को रिपेयर करता है। साथ ही साथ इसमें लौंग और एलोवेरा है जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को काफी हद तक सॉल्व करने में मदद करता है। तो अगर आप अपने जल्दी गिरने की समस्या से निजात पाना चाहते हो और अपने थकान को दूर करना चाहते हो तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप ट्राई आउट कर सकते हो। और अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो तो आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर टू, कोशिश करो किसको स्किप ना करने की। मतलब थोड़े साल बाद, कुछ टाइम बाद ना कपल्स किस को स्किप कर देते हैं। शुरू शुरू में किस बड़ा मज़ेदार लगता है, बट वही हो बाद में सिर्फ गाली देना और टोंट मारने के लिए काम में आता है, खाना खाने के लिए, चबाने के लिए। बट लोग किस करना भूल जाते हैं। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि किस को स्किप मत करो। चाहे भले ही आप लंबा लंबा ना चलाओ, बहुत लोग डिप किस करना पसंद नहीं करते, आई अग्री, इट्स ओके, बट किस को स्किप मत करो। किस में एक ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी पावर होती है ना, जो आपके ब्रेन को बहुत ही जल्दी एक्टिव करता है। इस बारे में केमिकल्स जो रिलीज होने चाहिए थे, जो बहुत ही तेज़ी से होता है, बॉडी बहुत ही फास्ट रिएक्ट करती है। बाकी स्टिमुलेशन के मुकाबले किस में इतनी पावर होती है, तो किस को स्किप मत करो। सारे फीमेल रफ सेक्स को पसंद नहीं करते, बट सारे फीमेल सॉफ्ट सेक्स को भी पसंद नहीं करते। तो इसीलिए फीमेल्स को भी पूछो यार, उसको क्या पसंद है, उसको कौन से पोजीशन पसंद है। एक ही पोजीशन में स्टार्ट करते हो, एक ही में ख़त्म कर देते हो। और मैक्सिमम लोग तो यार मिशनरी पोजीशंस के आगे भी कुछ पोजीशंस होते हैं, इसके बारे में जानते हुए भी जिंदगी में आजमाते नहीं हैं। बहुत लोगों को टाइमिंग की शिकायत होती है, बहुत लोगों को इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से भी वो फोरप्ले को स्किप करते हैं। फोरप्ले को स्किप करना आपकी इन प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है। जल्दी गिरना कैसे बंद करोगे, दवाई क्या है, नेचुरल टेक्निक्स क्या है, इरेक्शन को कैसे इंप्रूव करोगे, कौन सी दवाई लोगे, कौन सी नहीं लोगे, क्या बिना साइड इफेक्ट के आपके लिए काम करेगा, साइकोलॉजी, फिजिकल, हर चीज़ के बारे में मैं अलग अलग वीडियो में बताती रहती हूँ। उन वीडियोज़ को फॉलो करो। फोरप्ले को बिल्कुल भी स्किप मत करो, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। आप खुद देखोगे यार कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। एंड लास्ट थिंग, फोपले हमेशा बेड पे ही हो जरूरी नहीं। मैं आपको बचकानी हरकत करने के लिए नहीं बता रही हूँ, या ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ कि आप नहीं कर सकते। आई मीन टू से कि बेडरूम से बाहर, जैसे कि आप ना ऑफिस से निकल रहे हो और आपने कोई सेक्सी पोस्टर देख लिया होगा और आपने सोचा होगा यार आज घर जाके ना बहुत ही, मतलब आज कुछ मजा आ जाएगा। आपने सोचा और वहीं से आपका ना बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर दिया। बट आपकी फीमेल क्या कर रही है, उसी टाइम पे घर में रोटी बना रही है, हो सकता है कि बच्चे के पीछे चिकर चिकर कर रही है। तो इसलिए ना उसको भी पहले से प्रिपेयर करो, टैक्स कर दो उसी टाइम पे, जब आप सोच रहे हो ना कि आप आज घर आके ना सेक्स करोगे या कुछ ऐसा की चीज़ें आप सोच रहे हो ना, उसी वक्त उसको टैक्स कर दो कि आज ना वो वाली नाइटी पहना जो मैंने तुम्हें ना गिफ्ट किया था, या फिर आज बेड को अच्छे सजा के रखना, रूम को अच्छे से डेकोरेट करके रखना, या फिर कुछ ऐसा ही उसको लिख दो जिससे उसको हैंड मिल जाए कि आज घर आके ना आप कुछ करने वाले हो। हो सकता है कि उस टाइम पे ना वो उसके मुंह में मुस्कुराहट आ जाए, या फिर वो ना इस चीज़ को इग्नोर ही कर दे क्योंकि वो दूसरे काम में है। बट ये चीज़ जब आप बार बार करते हो ना, तो यही चीज़ पहली बात कि आपके दोनों के बीच बॉन्डिंग को बढ़ाता है, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। वो ये नहीं सोचती कि यार आप उसके बॉडी के पीछे पागल हो, बल्कि ये सोचती है कि आप उसके बारे में सोचते तो हो एटलीस्ट। ये आपके झगड़े को भी कम करता है, तनाव को भी कम करता है और आपके सेक्स लाइफ को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। मैं खुद इस ट्रिक को फॉलो करती हूँ कभी कभार, मैं खुद करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, ट्रस्ट मी, बहुत हेल्पफुल होता है। जब मैं औरत होकर कर सकती हूँ तो आप मर्द होकर क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, बाकी चीज़ें तो आप खुद ही जानते हो। मैं बहुत सारी वीडियोस में बताती हूँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परफॉर्म कैसे करना चाहिए, अलग अलग पोजीशन, सब चीज़ें बता चुकी हूँ। इस पर उसके बारे में नहीं बताने वाली हूँ, जस्ट कुछ ऐसे टिप्स मैंने आपको दिए हैं जो फोरप्ले पे आपका काम आता है। बट लास्ट एक ही बात है, फोरप्ले को स्किप मत करो। ये चाबी है, ये एक टर्न ऑन होने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है। ये आपके सेक्स लाइफ को बहुत मज़ेदार बनाता है। और एक अल्टीमेट एज के बाद ना पेनिट्रेशन बहुत ही फीका पड़ जाता है। उस टाइम पे भी फोरप्ले आपके बॉडी नीड को फुलफिल करने में मदद करता है, भले ही आपका इरेक्शन अच्छे से ना हो। आप अगर टेक्निक को जानते हो, आप फिंगरिंग कर सकते हो, आप
ओरल सेक्स कर सकते हो, उससे भी अपनी फीमेल पार्टनर को आप उत्तेजित भी कर सकते हो और उससे आप अपनी फीमेल पार्टनर को संतुष्ट भी कर सकते हो। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय बाय।